स्वैकर शर्मा फाइनली फाइनली यार इसके लिए मतलब ऐसे बाढ़ आ गई कमेंट्स की फॉर सम रीजन। और ये वीडियो है ट्रायल ऑफ अ मर्डर। एक्चुअली स्वैगर शर्मा का हम लोग ने एक भी वीडियो देखा नहीं है, मेरे को तो एक्चुअली पता भी नहीं है। सेम, आप लोग के थ्रू ही पता चला है एंड आई थिंक दैट इट इज नेक्स्ट लेवल क्लियरली फ्रॉम द नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत लाइक वी हैव गॉटन। यू नो हम लोग थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं कोई बड़ा वीडियो करने के वक्त, तो मैंने ऐसा सोचा था कि यू नो स्वैगर शर्मा का कर ही रहे तो कोई छोटा वाला विल डू फर्स्ट, उसके बाद में हम लोग करेंगे ये बड़ा वाला। लेकिन इसके लिए इतने कमेंट्स आए हैं कि वी कुडंट नॉट डू इट। और हम लोग का तो वैसे भी है कि जो मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं वी विल डू दैट, सो वी आर गोइंग टू डू दिस ट्रायल ऑफ अ मर्डर। और बाय चांस अगर स्वैगर शर्मा ये देख रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भेजा हुआ है, प्लीज वो देख लो। या सो 55 मिनट्स वीडियो ट्रायल ऑफ अ मर्डर, क्योंकि 55 मिनट्स है, मैंने पॉपकॉर्न लगाए हुए है तो जब तक हम लोग इंट्रो दे रहे हैं पॉपकॉर्न बन जाएगा और वीडियो चालू होगा तो ये मेरे हाथ में रहेंगे और फिर मैं खाते रहूंगा। Yeah? अगर आप सोच रहे हो हमारे साथ एक घंटा स्पेंड करने का, देन ग्रैब सम पॉपकॉर्न फॉर योरसेल्फ एज वेल एंड वी विल स्टार्ट विद द रिएक्शन फटाफट। इफ यू हैवंट वॉच्ड द ओरिजिनल वीडियो द लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो चेक इट आउट फर्स्ट। Serious? मन्नू भैया हमारे लिए तो आप ही जज हैं। आपने लिख दिया बाइज्जत बरी तो जज भी कुछ नहीं कर सकते। अबे अपनी बुआ के लड़के को आज तक कोई कुछ कह पाया है? दुनिया के लिए होंगे खतरनाक यंगस्ट जज फनाना ढिमकाना, हम तो इस पे रखते हैं। तभी तो आपके पास आए। 9 महीने बाद केस लड़े भैया, जरा संभाल लीजिएगा। बाकी डिनर में रशियन का इंतजाम कर दिए हैं आपके लिए। मोटे फुल हरामी हो रहे हैं, सबकी नस्ल बताए। बा अदब बा मुलायजा होशियार जस्टिस शर्मा पधार रहे हैं। कर ले थोड़ी देर और। साले जोधा भी चल रही है यहाँ, बदतमीज होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। सिट डाउन, फाइल दे केस की। पत्नी ने पति का कत्ल किया है सर, वो भी खुला। यार दिस लुक्स लाइक अ क्वालिटी प्रोडक्शन साहब। है तू मानेगा? तू कर ले, तू करेगा आज। हाँ जी, वकील कौन कौन है? सर। अरे गोलू तू वापस आ गया? हाँ जी सर। हो गए इसके 9 महीने पूरे? हाँ जी सर, बस आपकी कृपा है। बेटे ड्रामा रहने दो, कृपा कृपा अंदर से कृपा बता रहे हो। मैडम जरा मुंह पर करेंगे आप अपना, एक सेकंड प्लीज। तू अबे तू आप दोनों जानते हैं दूसरे को? ये भी आपकी दोस्त है क्या? प्लीज गया ये केस भी हाथ से गया। राजेश बेटा वो गाना कौन सा था जो इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है? सर वो ठुकरा के। आ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंद्र काम ले गया। नीचे देख, तू हमारे पास्ट को आप हमारे रिस्पेक्ट द जज मत लाइए बेटर। सर वैसे हुआ क्या था?
यार क्या हुआ था? मेजर फ्लैशबैक। यो दिस इज सो वेल मेड यार। सो वेल मेड। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, नए दौर में लिखेंगे हम। एक नंबर। क्या जगराते से बुलाएंगे? तो आज तो कार्रवाई करने में मजा आया, कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी प्रोसिक्यूशन लॉयर, प्रोसिक्यूटर लॉयर कहाँ है? सर आए नहीं है अभी, मेरे कोर्टरूम में लेट। आने दे, जो भी है बक्कल तार दूंगा उसका मैं। सॉरी सर। Look at his expression. उसके आँख आँख क्या मस्त है? The girl's eyes. Sorry sir, वो actually ना हम समझते हैं। Traffic देखो ना कितने सड़क पे। नहीं sir, वो actually कल house party थी और थोड़ी सी ज्यादा पी ली तो हैंगओवर के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई उठने में। रियली सॉरी। आगे क्या हो गया जानवी जी? अब ब्यूटी स्लीप भी तो कोई चीज है ना, जरूरी है ना? नहीं तो आपकी और ये गोलू की शक्ल में कोई फर्क रह जाएगा क्या? बताओ तो हैं। लेकिन देखो एक बात हमें अच्छी नहीं लगती है, हाउस पार्टी में हमें नहीं बुलाते। जज से बदतमी जी, भरे भरे कोर्ट में जज से बदतमी जी, इतनी हिम्मत ना मनु भैया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा लगाओ इनके ऊपर, पहली धारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लगाओ मनु मनु भैया। अरे नहीं सेफ करूंगा ना मम्मी कसम, अकेला बैठा हूं, भेजो मनु भैया। मनु भैया, मनु भैया, अरे रुक जाना मनु भैया, मनु भैया। अरे चूतिया नहीं काट रहा मां कसम, अकेले बैठा हूं। जानवी जी आप प्रोसीडिंग शुरू करो, इन्हें मैं बताता हूं कानूनी तरीके से कि एक जज से बदतमीजी करने के क्या परिणाम होते हैं। शुरू करो आप। तो सर केस बहुत सिंपल सा है। 3 दिन पहले यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, जहां पे लोग अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। यो दिस इज सो वेल मेड When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. Oh. I've got it right and I got it wrong. I learned my lesson hanging on. Will you be my Valentine? You? देख, मैं bright हूँ, तू beautiful है. और वैलेंटाइन डे भी है, दोनों सिंगल भी हैं। हाँ बोल देगी तो एक गरीब का भला हो जाएगा, तो देख ले हाँ बोल दे। गुड एक्टिंग स्किल सर। हाँ तो सर मैं यही कह रही थी कि इट्स एन ओपन एंड शट केस। 14 फरवरी को शिल्पा जी ने अपने ही पति इंस्पेक्टर राघव की गोली मारकर हत्या कर दी, एंड आई हैव ऑल द एविडेंसेस टू प्रूव इट। हत्या कर दी? हत्यारण? चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, आज तक के करे हुए सारे गुनाहों का ऐसा एक पैकेज बना के फांसी के रूप में दे देते हैं। क्यों सर, हम ऐसी किसी की बातें सुन के कंक्लूजन पे थोड़ी पहुंच सकते हैं। सर आई विटनेस फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत हैं मेरे पास, पर मैंने कुछ नहीं किया। ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं सर, ऑलरेडी कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। फांसी दे देते हैं फिर क्या दिक्कत आ रही है? मिश्रा जी सॉरी सर, आई डिसएग्री। तुम साले कभी अग्री मत कर जाना किसी बात पे, डिसएग्री कोई ना। जानवी जी आप एक काम करो, फटाफट 3-4-5 ऐसे गर्मा गर्म सबूत लाके मुझे दो, मैं भी गोली की रफ्तार से फांसी लिख देता हूं। जानवी जी सॉरी सर। अरे क्या करने लग गए जानवी जी? सर वो मैं ऐसे ही ट्रेडिंग करने लग गई थी, सॉरी। मल्टी टैलेंटेड, हां मल्टी टैलेंटेड, सीख लो कुछ।
तो आप स्टॉक में भी ट्रेड करती हो? नो सर, आई प्रेफर फोरेक्स नाउ. क्या है ना कि दिन भर कोर्ट के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता और शाम को स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है. बट हियर विद माय ब्रोकर आई कैन ट्रेड 24 आवर्स 5 डेज अ वीक, दैट टू विद जीरो कमीशन. मतलब करेंसी एक्सचेंज जैसा कुछ? नो सर, आई ट्रेड विद ऑक्टाएफएक्स. लास्ट ईयर इन्हें इंडिया के बेस्ट फोरेक्स ब्रोकर का अवार्ड भी मिला था. फोरेक्स नाउ स्टॉक से ज्यादा लेवरेज ऑफर करते हैं जिससे यू कैन मेक बिगर फ्यूचर इनकम विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट. जानवी जी, हम भी कर सकते हैं क्या? ऑक्टाएफएक्स न्यूबीज के लिए एजुकेशनल कंटेंट, हिंदी और इंग्लिश में वेबिनार और डेमो अकाउंट भी देते हैं जिससे सीखने के लिए पैसे भी नहीं लगते. क्या नाम बताया फिर से बताना एक बार? ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप. और अगर डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50% बोनस भी मिल जाएगा. ब्रेकअप कर लेगा. शक्ल देखी तूने अपनी? रोज ना भगवान के सामने जाके माथा टेका कर कि मेरे जैसी बंदी तुझसे पड़ गई. और हाँ, ऐसा सोचिए भी कोई बंदी तुझे भाव देगी. अच्छा, अब ना तुझसे सुंदर लड़की पटाके दिखाऊंगा. देख, ऐसा सोचा थी ना तो चांद से मार दूंगा. सर, मैं इस केस में अपनी पहली विटनेस मिसेस माधुरी चौधरी को स्टैंड पे बुलाने की इजाजत चाहूंगी. इजाजत है. माधुरी चौधरी हाजिर हो. कोई कोई दिन जा रहा है, कोई कोई दिन जा रहा है, बस हार्ट टूटने में तेरे. मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. तो माधुरी जी, 14 फरवरी को रात 9:30 बजे आपने क्या देखा? प्लीज कोर्ट को बताइए. जी, मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी. क्या कर रही हो? मन्नू भैया नीचे बैठ जाओ. वो तार पे से सूखे हुए कपड़े उतारने की बात कर, नीचे बैठो. अब आगे बताइए. मन्नू भैया, मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी, तभी मैंने शिल्पा भाभी को कहीं से आते हुए देखा. हाय शिल्पा. वो बहुत गुस्से में कैब से उतर के घर की तरफ गई. मैंने उनको हाय भी बोला लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. पड़ोसी होने के साथ साथ हम बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए उनका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा. खैर, मैं बालकनी में थी, इतनी देर में मुझे इनके घर से गोली चलने की आवाज़ आई. मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने जाके अपने पति को उठाया. दरअसल वो हाइपरसोमनिया के पेशेंट हैं और दवाई लेके सोते हैं. मैंने जाके उनको जगाया और सब बताया. उसके बाद वो अब खुद चेक करने वहाँ गए. अब वही बेहतर आपको बता पाएंगे क्योंकि वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. माधुरी, तुम क्या बोल रही हो? शिल्पा जी, एक मिनट. माधुरी जी, आपने कहा कि मैं घर चला जाऊं. सॉरी योर ऑनर. मैं क्या सॉरी, तुम बाजार में खड़े हो, ये तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? परमिशन नहीं लेनी होती? सर, मैं तो बस क्रॉस कर. तुम साले हो ही नहीं क्रॉस करने लायक. Finger on your lips. Janvi ji, aage. Thank you. You may leave. Sir, अब मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और माधुरी जी के पति इंस्पेक्टर विक्रांत चौधरी को स्टैंड पे बुलाने की इजाजत चाहूंगी. इजाजत है. विक्रांत चौधरी. पेन घोंप दूंगा मैं. तो हस्तक्षेप ले आओ. तो विक्रांत जी, आपने 14 फरवरी की रात को क्या देखा और आपकी पत्नी ने अभी अभी जो कोर्ट को बताया, क्या वो सच है? प्लीज बताइए. जी हाँ, मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम है. मैं रात को 9 बजे लगभग दवाई खा कर सो जाता हूँ. 14 फरवरी की रात को मेरी बीवी ने मुझे उठाया और बताया कि उन्होंने गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनी. मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई, अपना फ़ोन उठाया और तुरंत राघव सर के घर पहुँचा. और वहाँ आपने क्या देखा? और वहाँ मैंने देखा कि शिल्पा भाभी के हाथ में सर की रिवॉल्वर है और सर गन शॉट की वजह से जमीन पर. भाभी, नहीं भाभी, गन ड्रॉप कर दीजिए. झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ. पहली चीज में वहां 9:30-10 बजे पहुंची थी और जब मैं वहां पहुंची तो राघव वाज ऑलरेडी लाइंग डेड. और फिर मुझे वहां किसी तीसरे के होने का एहसास हुआ तो मैंने सेल्फ डिफेंस में गन उठाई. आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. आप लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे?
भाई साहब एक नंबर, आंसू आते आते बचे हैं लिटरली, देखियो नम नहीं हो गई आंखें, एक नंबर, क्या एक्टिंग। बेटे जाने से पहले अपना ग्रैमी लेके जाना इधर इधर, ठीक है? और मैं कहता हूँ छोड़नी नहीं, छोड़नी नहीं है, जरूर मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, जरूर। हाँ, ग्रैमी तो म्यूजिशियन को मिलता है, ये तो ऑस्कर मिलेगा। ये इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है तेरे पास? आपके साथ रह रहे के कटोरे चाटना बंद नहीं करेगा। हाँ जी, और कोई ड्रामा करना है? और कोई ड्रामा रह गया कर लो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर हम सुनना नहीं चाहते। Still left finger on his lips. सर एकदम baseless बातें हैं, ना कोई motive, ना कोई criminal intent. I mean, देखिए, देखिए जरा इन्हें, क्या आपको लगता है ये किसी का खून कर सकती है? हमें मत दिखाओ इन्हें, हमने खूब देखा है इन्हें, हमसे ज्यादा नहीं देखा हो किसी ने, हमें मत दिखाओ। और रही बात क्रिमिनल इंटेंट की, तो एग्रेसिव तो बचपन से ही हो ना तुम शिल्पा, क्यों गलत तो नहीं कह रहा? You know, I love the fact कि वो मतलब स्टोरी एक साथ नहीं दिखा रहे, एंड जो फ्लैशबैक है ना वो धीरे धीरे करके, you know, he's just showing what has happened. ये ना तेरा हर दूसरे दिन का हो गया, और सॉरी तब बोला कर जब तू मीन कर। तो उसे वॉशरूम में लिखने की क्या जरूरत थी शिवांगी लक्ष्म, जबकि उसे पता है हम दोनों बंदा बंदी है। तो तू उससे ऐसे जंगलियों की तरह लड़ेगी? ठीक है, अब नहीं लड़ूंगी, अब देख मुझे लगी भी है। कहाँ लगी है? हेलो हेलो। हाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, रुक मैं बाहर आके बात करता हूँ। वापस बैठो, कार्रवाई चल रही है आप बीच में। पूरे कोर्ट के सामने भाई से तकते नहीं जी। पापा को फोन मिला था। अरे नहीं भैया, फूफा जी को नहीं, प्लीज दोनों मेरी बात सुनो भैया। अरे छोटी छोटी बात पे आप क्या फूफा? हेलो हेलो पापा, ये भाई पूरे कोर्ट के सामने बेइज्जती कर रहा है, बहुत बड़ा जज हो गए। हाँ पापा लो बात करो, लो भैया। क्या आप छोटी छोटी बात पे लो? जी नमस्ते। नहीं नहीं, हाँ हाँ भाई है, बिल्कुल भाई है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, बुआ जी को नहीं, बुआ जी नमस्ते। कैसे हो आप? हाँ 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 भाई है, बिल्कुल भाई है मैं जी। बुआ जी, हाँ जी बुआ जी, ओके बुआ जी, बुआ जी नमस्ते। मनु भैया, भैया प्लीज नीचे बैठ जाइए, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, आप समझदार हैं, आप बड़े हैं, प्लीज नीचे बैठ जाइए। अब आए ना लाइन पे, अब आए ना लाइन पे, तेरा फेरी। समय आए, थैंक यू। सर मैं इनका क्रिमिनल इंटेंट और पोटेंशियल साबित करने के लिए स्टैंड पे बुलाना चाहती हूँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मुदित शर्मा को। इजाजत है। यस। Where have I seen this girl? This one. इसने और भी कोई वीडियो में काम किया है क्या? Boys and Girls. पता तो यार मेरे को ऐसा like I feel I've seen her in some of the video and I don't know where but somewhere. I'm 100% sure that she is a potential criminal. Can you elaborate? जब मैंने इन्हें examine किया तो initially I found her normal. But I realized कि इनका past, जैसे कि इनकी mother जिन्होंने suicide किया था, या इनके father जिनसे इनकी बनती नहीं है, वो इनका ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक डिसऑर्डर कहते हैं, जहां इंसान उस ट्रिगर पॉइंट की वजह से एक इंपल्सिव रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इनके केस में भी ऐसे। फूफा थोड़ा धीरे बोल ले, इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोलता चला जा रहा है, तू लिख लेगा इतनी तेज? मनु भैया विटनेस को ऐसे नहीं बोल सकते ना, मतलब ये भाई तू धीरे बोल ले तू। So yeah, it could be her past. 7 साल की थी मैं जब उन्होंने suicide किया। ये बहुत sensitive बात है मेरे लिए।
और उस पर मैंने आपके चार सवालों पर रिएक्ट क्या कर दिया? मर्डरर हो गई मैं। और तू तू तो जानता है ना व्हाट आई फील फॉर माय मॉम। केवीपीवाई की स्कॉलरशिप रह गई यार, सारा लकी खराब चल रहा है। तुझे नहीं पता तू कितना लकी है, तेरे पास तेरी मॉम है जो रोज तुझे टिफिन बना कर देती है, और मेरे डैड रोज पॉकेट मनी पकड़ा देते हैं, अकेले कोई फर्क नहीं पड़ता। लकी तो तू भी बात है, मेरे पास ऐसा बंदा है जो रोज सुबह अपनी मॉम से लंच बनवा के लाता है, वो भी एक्स्ट्रा। मैम कुछ नहीं मैम, हम तो बस बैठे थे मैम, लंच कर रहे थे। देखा मैंने कैसे बैठे थे मैम, सॉरी मैम। शट अप शिवम, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए और प्रिंसिपल ऑफिस आइए दोनों आधे घंटे में। मैम आप मेरी बात, मैम सॉरी मैम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मैम, ऐसा कुछ। सर प्लीज, सर मुझे एक मिनट लेट से बुलाने दो ना सर, प्लीज। नो मींस नो, नीचे बैठ। सर टट्टी को जमा करोगे तो पास तो मारेगी ही ना। अब ऐसे फ्लश भी तो नहीं कर सकते। आप हुकुम करो, इसकी तो मां मैं ही चूत। व्हाट, साले बुआ है मेरी। ओह माय गॉड, मिश्रा 5 मिनट और बस एक विटनेस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं स्टैंड पे बुलाना चाहूंगा शिल्पा जी के पिता श्री राम किशोर जी को। उसको नहीं बोला रहेगा, यू नो यू कैन नॉट मैरी। सर आप जज हो या? हमें लगा कि हमारे स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है, स्कूल का नाम रोशन करेगा, ये नाम रोशन कर रहा है। सर हुआ क्या है? आप खुद ही पूछ लीजिए अपने बेटे से। बेटा सर क्या कह रहे हैं? मम्मी वो नीचे स्कूल में लड़की को मोलेस्ट कर रहा था ये। सर क्या क्या बोल रहे हो, थोड़ा सोच समझ के तो बोलो, पागल हो गए हो क्या? मतलब आप सिर्फ दो ही तरीके, या तो मैं पुलिस को बुलाऊं, प्लीज पुलिस, या आप इसका टीसी लेकर के यहाँ से। देखिए बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इसका पूरा करियर खराब। ठीक है मैं पुलिस को ही बुलाऊं। अरे एक सेकंड यार, ये चल क्या रहा है? शिल्पा तुम इन्हें बताते क्यों नहीं, हमारे बीच में जो कुछ भी था म्यूचुअल था। शिल्पा तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ इतना बताओ कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, हाँ कि ना? शिल्पा बताओ, बताओ सर को। शिल्पा हाँ कि ना? शिल्पा बोलो ना। हाँ। Oh my God, इसी दिन के लिए मैंने बड़ा किया था। फांसी दे दो शिल्पा को। शिल्पा,
क्या बोल रहे हो शिल्पा? तुम्हें पता है मेरा पूरा करियर खराब हो सकता है इससे? आप इसे यहाँ से लेकर निकलिए। स्टोरी में जो ग्रैब करके रखा है मौका जरूर दियो अगर तू है। अब क्या इनविटेशन चाहिए चलने के लिए? इसका मतलब तो है बेटा जस्टिस शिवम शर्मा या फिर योर ऑनर। स्वैग, लेट्स गो स्वैगर शर्मा। अरे शर्ट क्यों भरा आपने? किसी को बाहर से बुलाना टक इन करने के लिए? सॉरी सर। ये घर नहीं है आपका, कोर्ट रूम है मेरा। सर मे आई? तो रामकिशोर जी, अपेरेंटली राघव के मरने से पहले उनके फोन पर जो लास्ट कॉल आया था वो आप ही के नंबर से आया था, यही कुछ 9:30 बजे। जी योर ऑनर, राघव एक पुलिस ऑफिसर थे इसलिए वो अपनी हर कॉल अपने एंड्रॉइड फोन पर रिकॉर्ड करते थे। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 9:30 बजे की वो आखिरी कॉल मैं अदालत में सुना सकूं। हेलो, नमस्ते पापा। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पा आ गई क्या? अभी तो घर पहुंचे नहीं पापा, जैसी आएगी मैं बात कराता हूँ आपकी। आप बताओ आपकी शुगर ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से टाइम ऑफ डेथ 9 से 9:30 बजे के बीच का है और इस कॉल रिकॉर्डिंग से ये साबित होता है कि 9:30 बजे तक तो शिल्पा घर ही नहीं पहुंची थी। जानवी जी आपका क्या कहना है? सर आई थिंक ये मिश्रा जी की बहुत ही घटिया टेक्निक है कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि 9:30 बजे या 9:45 हार्डली मैटर्स। बात ये है कि राघव का मर्डर हुआ है और शिल्पा जी ने ही किया है। मिश्रा कुछ और पूछना है इनसे? नहीं सर बस। तो आप एक काम कीजिए, दफा हो जाइए। ए, आने दो। उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अच्छा, और ये रियलाइजेशन कैसे हुई आपको? सॉरी, पर मेरे किए की सजा शिल्पी को मत दो। आप चिंता मत करो, शिल्पा को मैं उसी के किए की सजा दूंगा। उसने उस दिन हाँ मेरे कहने पर किया था, मैंने उसे प्रेशराइज किया था कि अगर वो हाँ नहीं बोलेगी तो मैं तुम्हें इंटरनल एग्जाम में फेल कर दूंगा, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। शिल्पा तुम बताते क्यों नहीं सर को कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो म्यूचुअल है? तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम सिर्फ इतना बताओ कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, हाँ के ना? शिल्पा बताओ, बोलो शिल्पा, हाँ कि ना? हाँ। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। उसने तो उस दिन जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया, बस तुम उसे गुनेगार मत मानो। पीने चलना है? आजा। अरे कुश्ती पता नहीं कौन सी बकचोदी चल रही है आधे घंटे से। मन्नू शर्मा बैक टू योर सीट। वापस फोन कर ले, फोन दिखेगा। फिर से बदतमीजी, पापा को फोन मिलाता हूं। मिला
हेलो हाँ फूफा जी नमस्ते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी थी। आपने ना एक नंबर का चूतिया लौंडा पैदा किया है और उसे हमारे सर पे रख दिया। नहीं सोबर हूँ मैं। हाँ कराओ कराओ, बुआ जी से बात कराओ। बुआ जी आप मेरी सुनो, अगर पापा ने आपकी शादी के टाइम पे दहेज नहीं दिया था तो कोई जुर्म नहीं किया, और आपको किस बात की टेंशन है? लौंडा जज है आपका, अगर आज के बाद किसी ने दहेज का ताना दे दिया ना वहाँ, तो इनके पूरे खानदान को 7 पुश्तों के लिए जेल में सड़ा दूंगा। ध्यान रखना अपना। बुआ जी नमस्ते। सर आई थिंक हम ऑलरेडी इनफ टाइम वेस्ट कर चुके हैं। फिशर क्रॉस कर तरीके से। सर दिस इज नॉट राइट। हम मिस जानवी, दिस इज माय कोर्ट एंड आई डिसाइड व्हाट्स राइट। सिट डाउन। सॉरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर से स्टैंड पे डॉक्टर मुदित को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर मुदित, आपने अपने कंक्लूजन पर आने से पहले मेरी क्लाइंट शिल्पा जी को कितनी देर तक एग्जामिन किया? यही कोई 1.5 से 2 घंटे। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी साइकियाट्री की डिग्री कहां से ली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कोई रेलेवेंस नहीं है इस बात की। सर अगर रेलेवेंस नहीं हुआ ना तो वकालत छोड़ दूंगा। जानवी जी थोड़ी देर करने दो इसे, ओवर हो गया। हाँ हाँ, कहाँ से ली बताइए? यही दिल्ली, दिल्ली NCR से। अरे पूरी बात बताइए। यही दिल्ली NCR से ही। मैं बताता हूँ योर ऑनर, इन्होंने गाजियाबाद के एक 3rd class कॉलेज से ओपन से कोरोना में ऑनलाइन एग्जाम देके अपनी डिग्री ली और ये जस्ट पास हुए हैं। सर इतने क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है ना, ये 2 घंटे में बता सकते हैं कौन पोटेंशियल क्रिमिनल है। सर मैं अभी 3,000 रुपए देता हूं। अरे मेरी साइड में खड़े होकर टेस्टिमनी दे देंगे ये। यस, सच बोल रहा है ये? सर वो मनु भैया फॉर्जरी की धारा लगाओ इसके ऊपर और इसका लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर प्रिंट करो फटाफट। जी सर। सॉरी सर इंस्पेक्टर विक्रांत और उनकी वाइफ माधुरी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अगर वो नींद की गोली लेके सोता है तो उठा कैसे इतने जल्दी? वो एक पॉइंट है। आपने कहा कि जब आप वहां पहुंचे थे तो शिल्पा गन लेके वहां पे खड़ी थी। जी। क्या आपने उन्हें गोली चलाते हुए देखा? नहीं पर मैंने उन्हें क्या आपने उन्हें गोली चलाते हुए देखा, हाँ या ना? जी नहीं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसा शिल्पा जी कह रही थी कि इनके आने से पहले राघव वॉज ऑलरेडी डेड और इन्होंने डर के मारे सेल्फ डिफेंस में गन उठाई। दैट कैन पॉसिबली बी ट्रू। मे बी। तो फिर आपने इनकी साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लोर क्यों नहीं की? सर बॉडी, कातिल, मर्डर वेपन सब सामने था। इट वॉज ओपन एंड शट केस। जज ना बनो, जो पूछा जा रहा है वो बताओ। जज ना बनो, हम बैठे हैं ओपन शट करने के लिए, तुम मत बनो ठीक है? और मिश्रा गोल गोल मत घुमा, मुद्दे की बात पे आ। सॉरी सर, पर देखिए पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। विक्रांत वाज वेरी क्लोज टू राघव और जब इन्होंने जाके देखा कि इनके बड़े भाई जैसे राघव की लाश वहां पड़ी है और शिल्पा सामने बंदूक लेके खड़ी है, तो इन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये डिक्लेयर कर दिया कि खून शिल्पा ने किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिश्रा जी भूल रहे हैं कि हमारे पास माधुरी जी की टेस्टिमनी भी है। हां मिश्रा, माधुरी जी की टेस्टिमनी का क्या? इसे भी शॉर्ट करते हैं सर। माधुरी जी आप बैल्कनी में क्या करने सर आई ऑब्जेक्ट, ये बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछ के कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसको कोई रेलेवेंस नहीं है। सर अगर रेलेवेंस नहीं हुआ ना तो वकालत छोड़ देगा, सुन ली हमने 10 बार। अगर रेलेवेंस नहीं हुआ ना मिश्रा तो तू छोड़े ना छोड़े मैं छोड़वा जरूर दूंगा। माधुरी जी बता के खत्म करो, एक और बार बता दो।
सर मैं बालकनी में तार पे से सूखे कपड़े उतारने गई थी। सूखे कपड़े? सर यहाँ मेरे पास 14 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि उस दिन सुबह से शाम तक बारिश हो रही थी। तो ऐसे कौन से सूखे कपड़े हैं जो आप बालकनी से उतारने गई थी? वो चलिए छोड़िए, ये बताइए कि उस दिन आपने घर के अंदर शिल्पा जी को ही जाते हुए देखा था, आप 100% श्योर है ना इस बात की? जी। अच्छा, ऐसे ठीक है ना आपकी, मतलब बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर से देखना कि शिल्पा जी हैं, एकदम ठीक है ना? मैंने आपको बोला ना वो शिल्पा ही थी, मैंने साफ साफ देखा। साफ साफ देखा, तो जरा ये बताइए कि उस दिन शिल्पा जी ने पहना क्या हुआ? छोड़िए छोड़िए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। साड़ी पहनी हुई थी, रंग आप बता दीजिए। ग्रीन। ये भी चेक कर लेते हैं। आपने तो अरेस्ट किया था ना, और फिर माधुरी जी को तो दोबारा देखने का मौका मिला नहीं होगा, तो आप ही बता दीजिए साड़ी का रंग क्या है। मिश्रा जी गोइंग ऑन फायर। Right. चलिए छोड़िए, कलर ब्लाइंड। छोड़िए छोड़िए, व्हाट डू यू थिंक? आई एम, मैंने इसलिए उसकी उशियर होगा क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता नहीं है। आई थिंक इट वाज ऑरेंज, इट वाज रेड। मेरे को, मैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड हूँ, मेरे को वो दो कलर नहीं दिखते, दैट इज व्हाई आई थॉट इट वाज ऑरेंज। ब्लाइंडनेस हो सकती है। 9 से 9:30 बजे के बीच में आप अपने घर पे ही थी ना? सर आई ऑब्जेक्ट। मिश्रा जी बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के, सिर्फ बातों के बेसिस पे मेरी विटनेस को मिसलीड कर रहे हैं। मिश्रा बहुत देर हो गई, बातें छोड़ सबूत लेके आ। सर मैं स्टैंड पे अपने विटनेस दिवेश पांडे को बुलाना। सर आई ऑब्जेक्ट, ऐसे किसी विटनेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है। सर इनको सुनते थोड़ी रहेंगे जी, आपको भी तो सुन ही रहे ना 1.5 घंटे से, इनकी भी सुन लेते हैं। ले आ बेटे। दिवेश आप एक फूड डिलीवरिंग कंपनी में काम करते हैं ना? जी सर। मैंने थोड़ी सी ना रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि 14 फरवरी की रात 9 से 9:30 बजे के बीच में जिस इलाके में खून हुआ आप वहीं खाना डिलीवर करने गए थे। गया था। तो ज़रा नज़र घुमा के देखिए इस कोर्ट रूम में और बताइए कि उस रात आपको कोई इंसान ऐसा दिखा जो यहाँ बैठा है? यस सर। कौन? क्या चूतिये? क्या छुपा रही हैं? स्टोरी इज टेकिंग अ ट्विस्ट। कुछ नहीं, वो मैं अभी शी हैज किल्ड। हाँ, तार पे से कपड़ा उड़ गया था तो वही उठाने नीचे गई थी। चलिए सीधे सीधे पूछता हूँ, कुछ दिन पहले आप एक लॉयर से मिलने कचहरी पे आई थी, क्यों आई थी? मैं नहीं। अरे मैडम, छोटा सा ग्रुप है हम वकीलों का, एक दूसरे की ना क्लाइंट की खबर रखते हैं, आप बता देंगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं उनको बुला लेता हूँ टेस्टिमनी देने के लिए, है ना? एक्चुअली अरे भाई तुझे पता है तो तू ही बता दे। सर ये डाइवोर्स का प्रोसीजर जानने के लिए गई थी। बस दो सवालों के जवाब दे दीजिए। पहला, क्या आपका और आपकी वाइफ माधुरी के बीच में डाइवोर्स जैसा कुछ डिस्कस हुआ? जी नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। चलिए छोड़िए, दूसरा सवाल, आपका और आपके सीनियर राघव का रिलेशन कैसा था? मतलब आई मीन आपकी, आप दिन में कितनी बार मिलते थे, आपकी फोन पे कितनी बार बात हुई? देखिए राघव सर मेरे बड़े भाई की तरह थे और रही बात मिलने की, बात करने की, तो हम लोग सेम थाने में थे, हमारी ज्यादातर बातें ऑफिस में ही हो जाती थी। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके लैंडलाइन से राघव जी के पर्सनल फोन पे घंटों बातें होती थी तो ये बातें कौन करता था? अफेयर। और मे बी उसके वजह से इसने खून किया रहेगा। कौन करता था ये बातें? माधुरी जी सच बोलने का समय आ गया।
मैं सच ही बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। आप शुरू से झूठ बोल रही है। आप बैल्कनी में थी नहीं, आपने नहीं देखा शिल्पा जी को। आप 9:30 बजे राघव के साथ थी और उस फूड डिलीवरी वाले बॉय ने भी आपको देखा है, क्योंकि आपका राघव के साथ अफेयर चल रहा था। बदतमीजी मत कर। और जब आपने उनसे डाइवोर्स वाली बात शेयर करी, उन्होंने आपको अपनाने से मना कर दिया और गुस्से में आके आपने उनको उन्हीं के रिवॉल्वर से गोली मार दी। ये झूठ है। आप मान क्यों नहीं लेती कि आप वहां गई थी और आप ही ने राघव का खून किया है? मैं नहीं गई थी। नहीं गई माधुरी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं गई थी तो एविडेंस बॉक्स में मौजूद ये पर्ल आपके पर्स से गिरकर राघव के घर पे कैसे मिला? ये झूठ बोल रहा है। पर्ल पर्स से गिर के कैसे मिला? मैं सच बोल रही हूँ। पर्ल पर्स से गिर के मैं कैसे मिला? क्या बस बस, मैं बस लेके नहीं गई थी। Oh my God! Mishra on fire, my boy Mishra has done it. That's all, Mila. पर मैंने किसी का खून नहीं किया। माधुरी जी, फर्स्ट डिग्री मर्डर में फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दिलवाने की बात मैं खुद जज साहब से करूंगा। अगर आप कोर्ट का टाइम और ना वेस्ट करके अपना गुनाह कबूल कर लेते, नहीं तो मेरे पास राघव का ये फोन भी है जिसमें कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे 2 सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप ही हैं। पिताजी पुजारी हैं ना आपके मंदिर में, और 3 बहनें भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। मैंने डिवोर्स का प्रोसेस पता कर लिया है, अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। तुम पागल हो क्या? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स वोर्स देने वाला हूँ? तुम्हें पता है मैं सोसाइटी में कितनी इज्जत है? ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वो सारी बातें, इसका मतलब तुम बस मजे कर रहे थे मेरे साथ? मजे तो हम दोनों ही कर रहे थे ना। इस टाइम कौन आ गई? कहीं शिल्पा तो नहीं आ गई? एक काम करो, तुम पीछे वाले गेट से बाहर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। जाओ। तमाम सबूतों, गवाहों और माधुरी जी के कन्फेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत माधुरी चौधरी को इंस्पेक्टर राघव सिंह के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए सेक्शन 302 ऑफ CRPC के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। दिस कोर्ट इज अडजर्न्ड। हाँ रोहित, क्या हाल है? अरे कैसा है भाई? हाँ साले, तुम तो बहुत बड़ा नेता हो गए, तुम तो करोगे नहीं कॉल। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। अबे पता है आज कोर्ट में कौन आया था? कौन आया था? अबे शिल्पा याद है, 12A वाली स्टैंड पे अक्यूज थी आज। से कैसे पूछ सकते हैं? हाँ, एक सेकेंड। एक्चुअली डैड निकल गए हैं, मैंने उन्हें कॉल किया, वो मेरा रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं। उस दिन स्कूल में सब इतना जल्दी हो गया, किसी को
को समझ ही नहीं आया और फिर तुझसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तू क्या बोल रहा है, थोड़ा साफ साफ बोलना। यार लास्ट डे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ओए किस हो गई तुम्हारी? कहाँ यार, ये बायो वाली बीच में आ गई। नहीं हो पाई क्या? खैर लेकिन ये शिवम का सही है। ट्यूशन में शिवांगी, यहाँ पे तू? ट्यूशन में शिवांगी? अरे ये देख, ट्यूशन की पार्टी में फुल चिपटा चिपटी लिपटा लिपटी, देख। मुझे नहीं पता क्या? मुझे लगा तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है। ये लड़का यही मात खाता है हमेशा, झूठ बहुत बोलता है। खैर तुम अपना देख लो, है मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी साइको है। तेरे जाने के बाद भी ना एक और लड़के ने डेट किया। हाँ, उसका भी कुछ ऐसा चक्कर वक्कर पता चला तो भरी असेंबली में सर फाड़ दिया था उसका यार। हाँ। साइकोलॉजी में बाद में ऐसा कुछ सुनने में आया था कि इसकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उन पे चीट किया था, इसीलिए ऐसे किसी बात पे ये पागल हो जाते। और वहां मैंने देखा कि शिल्पा भाभी के हाथ में सर की रिवॉल्वर है। भाई रियली सॉरी यार, ये पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तेरे साथ गलत करने की। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। जिसे दो सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप हो। ये मिश्रा ने माधुरी को फोन में क्या दिखाया था? मिश्रा क्रॉस कर तरीके से। शिल्पा, जब जब तुम्हें पता चला कि राघव और माधुरी का अफेयर चल रहा है तो तुम्हें कैसा लगा? Has a punishment. और चीटिंग के लिए कोई भी पनिशमेंट होती है। किसी को कमिटमेंट देने से पहले सोच लेना चाहिए। भैया गाड़ी रोक। शिल्पा तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। तुमने मुझसे गलत जजमेंट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। India's youngest judge. अपनी किताब का एक लो खुद ही भूल गए। As per section 300 clause 1 of CRPC, a person once convicted or acquitted not to be tried for the same offense. Thanks for the ride. लेकिन फिर उसने अग्री क्यों किया कि उसने मारा? फोन में ऐसा क्या दिखाया? इस टाइम फोन आ गया। शिल्पा तो नहीं है कहीं? तुम एक काम करो, तुम पीछे वाले गेट से बाहर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तुमने मुझे यूज किया? मैं अभी जाके शिल्पा को सब सच सच बता दूंगी। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखो। ये फोटोस तलाक तुम तो रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन जाओगे। सो आई थिंक वकील ने भी वही धमकी दी रहेगी कि ही विल लाइक लीक द फोटोस काइंड ऑफ। कर दो, लीक करो, सिस्टम में बैकअप है मेरे पास। जिसे दो सेकंड में साबित हो जाएगा दोषी आप हो। पिताजी पुजारी है ना आपके? ड्रामा बंद करो और निकलो यहां से। I did it.
दरवाजा खोल लेना। अरे यार मैं वॉशरूम में। यार तुम तो परसों आने वाली थी ना। इतना इरिटेट करते हो यार। क्या हुआ, पापा से फिर लड़ाई हो गई? तुम्हें तो पता ही है, हमेशा उन्हें मेरी सारी बातें बता। अरे मेरे पास फोन आ रहा है। उठा लो, बोला भी मैं घर नहीं पहुंची। हेलो। हेलो, नमस्ते पापा। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पा आ गई क्या? शिल्पा अभी तो आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं बात कराता हूँ आपकी। आप बताओ, आपकी शिल्पा ठीक है? कितनी बात करूँ? अरे यार शिल्पा मेरा फोन वापस करो। अरे फोन वापस करो यार, ऐसे क्या देख रहे हो यार? वकील साहब, आपने मुझे आज इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी बेटी बाइज्जत बड़ी हो जाए, उसके लिए ना आपको एक छोटा सा झूठ। उसने उस दिन हाँ मेरे कहने पर किया था, मैंने उसे प्रेशराइज किया था। शिल्पा जी, अगर आप ऐसे मौन बैठी रहेंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा, आपका केस कैसे लड़ूंगा? आपको पता भी है इस केस का जज कौन है? आप दोनों जानते हैं दूसरे को? ये इंडिया यंगेस्ट जज, 2 सेकंड नहीं लगा था फांसी देने में। मेरा खुद का 9 महीने का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया था इसने। आप जानती हैं इसे? He's my ex. I'm sorry, but अब हमारी मदद करूँ मैं करूँगा आपकी मदद। Oh my God! What? सब मिले हुए। आप क्यों करेंगे हमारी मदद? क्योंकि राघव सर को तो आपने सजा दे दी, लेकिन माधुरी को भी सजा मिलना बाकी है। माधुरी so well planned. प्लीज गन ड्रॉप कर दीजिए। देखिए जो कुछ भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। शिंदे सुन, जल्दी से 2 लेडी कांस्टेबल एक एम्बुलेंस भेजो। क्या हो गया सर? कांड हो गया बहनचोद, शिल्पा भाभी ने राघव सर को गोली मार दी है। क्या बात कर रहे हो सर? क्रेजी बॉस, क्रेजी सर, गन शॉट की वजह से समझ। दैट कैन पॉसिबली बी ट्रू, मे बी। साड़ी का रंग क्या? मौजूद ये पर्स आपके पर्स से लेकर जिनकी अभी तक शादी सबका तो ठीक है, पर साले मिश्रा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे बनाऊंगा मैं मास्टर। हैवी ड्राइवर मिश्रा कोर्ट में यू तो। चलो भैया। क्या बात है, जीत गए, मजा आ गया। अरे गाने वाले लगाओ यार, सेलिब्रेट करो। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन शिल्पा जी। अरे लाइए मिलाइए। विक्रांत जी एक बात है, आप ना होते ना तो ये केस नहीं जीत सकते थे हम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। व्हाट, व्हाट इज हैपनिंग बॉस? ट्विस्ट पे ट्विस्ट, अभी क्या होने वाला है?
गॉड सर ठीक तो है ना, एम्बुलेंस बस निकल ही रही है। मां कसम दिस इज सर। हेलो सर, सर ही इज डेड। यो लगी सही सही बॉस, एक नंबर। तीन महीने से लगे पड़े, तुम्हें लग रहा होगा मजे कर रहे हैं घर पे। चलो ये सारी बातें BTS में करेंगे। अभी ये चैनल यहाँ पे आ रहा होगा, टाइगर शर्मा शॉर्ट्स, सब्सक्राइब कर लो। अभी 2 से 3 दिन में इसका BTS आ जाएगा। पूरी प्रोसेस बताएंगे कैसे बनाई है सारी फिल्म, और हाईलाइट ये है कि इस बार अपने पूरे खानदान को बिठा के दिखाई है हमने ये फिल्म। स्क्रीनिंग हुई है घर पे प्रॉपर। अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, अभी कमेंट करके। यो बॉस, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब बॉस एंड लाइक एज वेल। दिस आई थिंक जस्ट दिस हैज बिकम लाइक माय अभी मेरा एक और ऐसा एक फेवरेट चैनल। आई थिंक इट्स गोना बैट। आई जस्ट लव लाइक जब भी कोई क्वालिटी वीडियो रहता है ना, मुझे उसके डायरेक्शंस और वो सब देखने को इतना मजा आता है। And this was actually like a short film. I पूरा टाइम लाइक अटेंशन ग्रैब करके रखा था, एंड ओ माय गॉड एंडिंग में जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट हुई है ना, ओ शिट, यू कैन नॉट इमेजिन दिस। आई थिंक जब भी आप कुछ गेस नहीं कर सकते हो, इट मींस कि जो स्टोरी टेलिंग जो हुई है अभी तक की, दैट हैज बीन डन ऑन पॉइंट, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गेस। कि आपको जो डिस्ट्रैक्ट करके जो जैसे दिखाया गया था उसपे से ऐसा लगा था। सी आप सोचते हो ना एक स्टेप आगे, सो इट इज शोन स्टार्टिंग में कि द गर्ल इज शिल्पा इज द मेन है ये व्हाट कल्प्रिट। लेकिन जैसे स्टोरी आगे गई, मुझे लगा कि यू नो द एंड विल बी कि दिस गाय द पुलिस ऑफिसर इसने मारा रहेगा, विच एक्चुअली इज ट्रू। बट देन जब यो वाइफ कन्फेस करती है, इट्स लाइक नो यू आर रॉन्ग कि वो पुलिस वाले ने नहीं किया। And now at the end you again feel ki boss police wale ne kiya. This was like so well done yaar, maza aa gaya. It was like amazing. I mean till the last minute you are guessing who it is, who it could be. I know. Amazingly done, and I'm like so glad that the first video that we did of Sagar Sharma was this, so amazing. This level boss kya. And even the shots, no wonder so many of you all kept commenting for this. Like, oh truly, my God. Truly deserved, boss. This was yes, next so level. Happy. Like, I think Swagger Sharma and his team like smashed it. Yeah. And superb, yeah. Like, मजा आ गया देख के मेरे को, क्या बोलूँ अभी यार, I was speechless. Yeah. Like story was simple, I would say, but then the direction and the storytelling. It was very amazing, nice. Yeah. It was very nice. Thanks to you guys, we have discovered another wonderful gem. Boss, I'm gonna comment on this here. Seeing your video for the first time, and I am proud to say that I have added a favorite channel to my list. Of course. Hats off to the entire team. Next level, boss. Like. ऐसे ना लाइक दिस इज ये हर्ष बेनीवाल, दे मेक सच कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब विच एक्चुअली इज मेंट फॉर लाइक बिगर स्क्रीन। बट थोड़े फार इसमें ऐसे जोक्स और रेफरेंसेस थे विच आर फ्रॉम जॉली LLB दैट यू कैन मेक आउट, बट देन द स्टोरी नेक्स्ट लेवल यार, मजा आ गया बॉस। एंड वन मोर थिंग यार, each and everybody acting is all the actors are wonderful, like super. किसी का भी ऐसा ना थोड़ा भी टाइम ऐसा ओवर या फिर फेक ऐसा लगा नहीं। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि ये देखने का मैं, यू आर गोइंग टू लव इट। सो नाउ यू गाइज एक्चुअली नो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस वी लाइक।
जैसे अक्षता की क्या लाइकिंग है, अक्षता की क्या डिसलाइक्स है, मेरे क्या लाइकिंग है, मेरे क्या डिसलाइक्स है. वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि एक शॉट मैंने नोटिस किया था जो विनर जब भी कोर्ट का शॉट दिखाते थे ना, सो इट वॉज शोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जज, राइट. लेकिन एक्चुअली इफ यू पेड अटेंशन टू इट, वो फ्रेम में ना राइट फोरग्राउंड में इसके क्या शिवम नाम के बाल भी हाँ, उसके yeah. बाल दिख रहे थे. सो दैट वाज एक्चुअली लाइक अ गुड पर्सपेक्टिव. वो एक्चुअली आई थिंक वो विक था, वो एक्चुअल शॉट में वो बेटर नहीं था, कोई और रहेगा. बट देन इट वाज अ वेरी नाइस शॉट जो मैंने नोटिस किया, बट आई जस्ट डिडंट वांट टू स्टॉप इट एट दैट टाइम, इसलिए मैंने अभी बोला. बॉस बिग अप टू द एंटायर टीम ऑफ स्वैगर शर्मा, हैट्स ऑफ यू गाइस, टोटली नेल्ड दिस वीडियो. टोटली यस. ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, thank you so much for making us a part of your day. I hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.